उल्लासनगर में। उल्लासनगर मार्केट से आज हम जाने वाले हैं घुमंडी, जो कि कपड़े का बहुत बड़ा खदान है। वहाँ पे भी हम 5 नंबर से होते हुए मार्केट से 4 नंबर विठलवाड़ी, विठलवाड़ी से कल्याण, कल्याण से भिवंडी जाएंगे। तो आपको यहाँ का मार्केट दिखाते हैं, क्योंकि आज गणपति का लास्ट दिन है, तो आज विसर्जन में बहुत ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा जो लोग लाते हैं और ले जाते हैं। तो हम आज यहाँ से निकलेंगे भिवंडी की तरफ। अभी हम खड़े हैं प्लस कॉलोनी पे हैं, तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे भिवंडी की तरफ। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम चलते हैं आज भिवंडी की तरफ, क्योंकि हम लोग 4 नंबर 5 नंबर मार्केट होते हुए विठलवाड़ी मार्केट होते हुए कल्याण से बाहर वैसे निकलेंगे दुर्गाड़ी की तरफ, फिर जाएंगे मंडी। चलते हैं, देख सकते हैं ये उल्लासनगर का मार्केट है 5 नंबर का, जो कि बहुत ही फेमस है। ये भी बहुत बड़ा कपड़े का कारोबार यहाँ पे होता है, जीन्स से लेकर गाउन और बहुत सारा आपको यहाँ पे शॉप देखने को मिल जाएगा कपड़े का। लेकिन यहाँ से निकल के हम जाएंगे आज भिवंडी की तरफ, तो देख सकते हैं ये है पूरा 5 नंबर का मार्केट, जो कि आपको इस रोड पे सिर्फ जींस मार्केट का ही व्यू देखने को मिलेगा। ये दूधनाका चौक है सामने, और ये रास्ता ऐसे स्टेशन की तरफ जा सकता है, लेकिन हम लोग गाउन मार्केट होके जाएंगे। सीधा भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग यहाँ से राइट में जाएंगे, फिर गाउन मार्केट होते हुए निकलेंगे 4 नंबर की तरफ। जैसा कि देख सकते हैं ये है गाउन मार्केट। मैंने आपको 2-3 वीडियो में गाउन मार्केट का व्यू दिखाया है, बहुत ही फेमस मार्केट है ये। उल्लासनगर का सबसे फेमस मार्केट गाउन ही है, क्योंकि यहाँ बहुत तादाद में गाउन का बिजनेस होता है और टॉप लेवल का बिजनेस होता है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा सप्लाई यहीं से होता है, आपको ऐसा गाउन का मार्केट शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। देख सकते जितना भी ट्रक टेम्पू जो भी आपको रोड पर दिख रहे हैं, ये सब बाहर जाता है माल, इसमें पार्सल होके बाहर मतलब दूसरे स्टेट में। देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे ऐसा गाउन का शॉप देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे बहुत सस्ता मिलेगा गाउन। और मार्केट में जाएंगे यही दादर में, तो जो यहाँ पे 150-250 का मिलता है, 150 का 200 का, वो आपको 200-250-300 में ही मिलेगा। तो मान लीजिए इतने दूर में मतलब 40-50 किलोमीटर के दूरी में 100 रुपये का फ़र्क हो जाता है, और आप अगर जो यहाँ उल्लासनगर में आएंगे तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है आप यहाँ उल्लासनगर मार्केट में। ये भी कपड़े का बहुत बड़ा शहर माना जाता है उल्लासनगर, क्योंकि ये बहुत वर्षों से यहाँ पे कपड़े का बिजनेस होता है। तो आज हम लोग चलेंगे भिवंडी, वहाँ पे भी कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस होता है, जहाँ पर कपड़ा बनता है वहाँ चलेंगे आज। देख सकते हैं ऐसा मार्केट आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ हुआ है यहाँ पे उल्लासनगर में इस साल, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ कि रोड का कंडीशन सही कर दिया गया है। इतना ख़राब यहाँ पे रोड था कि आप यहाँ पे सही से चल नहीं पाते, लेकिन फ़िलहाल अभी तो रोड का कंडीशन सही है। कहीं कहीं बीच में ख़राब आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन सुधार आ रहा है उल्लासनगर के रोडों में, आस्ते आस्ते हो जाएगा सब सही। देख सकते हैं कहीं रोड टूटा है तो कहीं बन रहा है, कहीं बन चुका है। तो गाइस देख सकते हैं ये है भाटिया चौक, यहाँ से हम लोग निकलेंगे 4 नंबर के लिए, जो कि चाइना का बाप है उल्लासनगर, जो चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया, जहाँ पे भी जो बड़े बड़े शहर हैं जो भी सामान लॉन्च करते हैं मार्केट में, उल्लासनगर उसका कॉपी करके फटाक से मार्केट में लॉन्च करता है। कोई भी चीज़ हुआ, कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी हुआ, जो भी बाहर के कंट्री में लॉन्च होता है, वो इंडिया में उल्लासनगर में सबसे पहले लॉन्च हो जाता है, उसका फर्स्ट कॉपी बना के। देख सकते हैं ये है 4 नंबर मार्केट, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही फेमस है। ये मार्केट आपको मैन्युफैक्चरिंग मार्केट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सब सामान मतलब A to Z इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कपड़े हो गए, सो
शूज़ हो गया, बाकी जो भी होलसेल में आपको चाहिए सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहीं से चालू होता है और विठलवाड़ी स्टेशन तक ये मार्केट रहता है। देख सकते हैं यहीं से चालू होता है, ये नेताजी चौक था, अब यहाँ से लेके आपको विठलवाड़ी स्टेशन तक सिर्फ 4 नंबर का मार्केट देखने को मिलेगा। बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर यहाँ का ये मार्केट है। Yeah, yeah, yeah.